गुर्जर आरक्षण मामला करौली भरतपुर जिले की इंटरनेट सेवाएं फिर से बंद की गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। देर रात 12 बजे से इंटरनेट सेवाएं बंद की गई। 1 नवंबर से बयाना के पीलीपुरा में गुर्जर आंदोलन प्रस्तावित है। गुर्जर आंदोलन को लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट हो गया है और इसीलिए रात 12 बजे से इंटरनेट सेवा भी सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दी गई। गुर्जर आरक्षण मामला और इसी को लेकर अब प्रशासन भी चाक चौबंद हो गया है, अलर्ट मोड पर आ गया है। 1 नवंबर से बयाना के पीलीपुरा में गुर्जर आंदोलन प्रस्तावित है और ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी भड़काऊ बयान का कोई भी प्रचार प्रसार यहाँ पर ना हो और इसीलिए इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है ताकि हर स्थिति से निपटा जा सके। सुरक्षा के लिहाज से इंटरनेट सेवाएं देर रात 12 बजे से बंद की गई हैं। 1 नवंबर से बयाना के पीलीपुरा में गुर्जर आंदोलन प्रस्तावित है और इसी को लेकर पहले से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इंटरनेट सेवाओं को वहां पर बंद कर दिया गया है ताकि हर परिस्थिति से वहां निपटा जा सके। करौली भरतपुर जिले की इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं फिर से। इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है ताकि हर स्थिति से वहां निपटा जा सके। अगर कोई भी अव्यवस्था होती है इसीलिए प्रशासन भी लगातार चाक चौबंद है। 1 नवंबर को बयाना के पीलीपुरा में ये गुर्जर आंदोलन प्रस्तावित है, उसी को लेकर देर रात 12 बजे से इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया और प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। गुर्जर आंदोलन को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और इसीलिए इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। करौली और भरतपुर जिले की इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। देर रात 12 बजे से ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। 1 नवंबर से बयाना के पीलीपुरा में गुर्जर आंदोलन प्रस्तावित है, इसी को लेकर रात को इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया था। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता जयप्रकाश शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, क्या कुछ पूरी अपडेट है? देखिए, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद है ताकि हर एक स्थिति से निपटा जा सके। जी मनीषा, मैं आपको बता दूं जी, राज्य सरकार की ओर से उच्च अधिकारी गुर्जर आंदोलन के सदस्यों से और संयोजक किरणलाल बेसला के संपर्क में बने हुए हैं जी। उनको हर तरह से उनके संपर्क में है, उनसे मसौदा लेकर आए हैं। राज्य सरकार के द्वारा जो मसौदा है उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी हर जायज मांग सरकार मानने को तैयार है, लेकिन गुर्जर समाज अपनी मांगों को लेकर और आंदोलन पर अड़ा हुआ है जी। इसी के चलते गत दिन गुर्जर आंदोलन के संयोजक किरोड़ीलाल बेसला के पुत्र विजय बेसला आवा ने जी में अपने समाज के लोगों से संपर्क किया
और उनको आंदोलन में आने के लिए निमंत्रित किया। तो इसी तरह से कल देर रात में, रात को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई एहतियात के तौर पर कि किसी भी तरह से गोदत समाज एकत्रित ना हो पाए, और अगले आदेश तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। और हरसंभव सरकार ये प्रयास कर रही है कि गुर्जर आंदोलन आगे नहीं बढ़े और समाज के लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो पाए। जी जयप्रकाश, प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि अलर्ट प्रशासन हो गया है? प्रशासन ने एहतियात के तौर पे पूरी तरह से चाक चौबंद निगाह बनाए हुए हैं और हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि हर जगह चेक पोस्ट स्थापित कर दिए गए हैं। इधर अपने करौली जिले से जी एसपी नजुल कठावा है, इधर भरतपुर से एसपी अमनदीप सिंह कपूर अपने पूरे स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं जी। और उनका हर संभव प्रयास ये है किसी तरह से आप जनता को कोई परेशानी ना हो, बिल्कुल किसी तरह से सत्ता काम को रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल जयप्रकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो देखिए, करौली भरतपुर जिले की इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है।